सोयाबीन की अधिक आवक व घटते दाम ने सरसों का रंग उड़ा दिया है। सोयाबीन की नई बेहतर फसल आने व वायदा बाजार NCDX पर दिसंबर माह का भाव 5500 रुपए प्रति क्विंटल होने से शनिवार सरसों के दाम 9200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। एक महीना पहले सरसों के दाम 8400 से 8500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए थे। एक महीने में सरसों के दाम में 800 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ने से पराई मिलें प्रभावित हुई हैं। हालात ये हैं कि आगरा की सभी मिलों में ताला लग गया है। कारोबारियों की माने तो आसपास के जिलों व राज्यों में भी मिलें बंद हो गई हैं। कारण, सरसों के तेल के मुकाबले सोयाबीन तेल बाजार में 40 रुपए प्रति लीटर सस्ता होने से डिमांड कम हो गई है। सरसों की किल्लत है, ऐसे में मिलें बंद हो गई हैं। आगरा ऑयल मिलर्स की माने तो मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, मंदसौर, देवास और जावरा, राजस्थान की कोटा, हरियाणा की सिरसा, इटावा व मैनपुरी मंडी में सोयाबीन की आवक करीब 5 लाख बोरी हुई है। दाम भी 5175 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल से घटकर 4900 से 5100 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। कारोबारियों का मानना है कि मध्य प्रदेश में इस बार 58.84 लाख हेक्टेयर के बजाय 63.05 लाख हेक्टेयर व महाराष्ट्र में 40.40 लाख हेक्टेयर के बजाय 50 लाख हेक्टेयर पर सोयाबीन की खेती हुई है। केंद्र सरकार ने कच्चे पाम तेल पर आयात शुल्क को 10% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है, जबकि कच्चे सोया तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर इसे 7.5% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। वायदा बाजार में भी सोयाबीन व मूंगफली के दाम में दिसंबर माह में गिरावट दर्ज की गई है। सरसों के तेल के उत्पादन में आगरा देश में अग्रणी है। आगरा में 66,000 हेक्टेयर में सरसों का उत्पादन होता है, पर मांग अधिक होने के कारण यहां की प्रमुख खेरागढ़ में कागारौल रोड स्थित मंडी व किरावली मंडी में हरियाणा व राजस्थान से बड़ी मात्रा में सरसों की आवक होती है। रोज करीब 500 टन सरसों का तेल उत्पादन करने वाली आगरा ऑयल मिल, BP ऑयल मिल, शारदा ऑयल मिल व महेश ऑयल मिल सीधे हरियाणा व राजस्थान मंडी से सरसों क्रय करते हैं। जनपद में 6 और ऑयल मिल के अलावा 200 से अधिक स्प्रेलर हैं, जिनके द्वारा रोज करीब 100 टन तेल का उत्पादन किया जाता है। आगरा का रोज 600 टन सरसों तेल का उत्पादन घटकर 120 टन रह गया है। खेरागढ़ में कागारौल स्थित मंडी व किरावली मंडी में रोज करीब 2000 क्विंटल सरसों की आवक होती है। इस कारोबार से जुड़े लोगों की माने तो खेरागढ़ में कागारौल रोड स्थित मंडी व किरावली मंडी के आसपास ही बड़ी मात्रा में सरसों की जमाखोरी की गई है। यह खेल इन दोनों स्थानों के साथ साथ जिले में एक दर्जन स्थानों पर और चल रहा है। ऐसे ही खेल सरसों के तेल में भी है। सरसों खरीदने का क्रय केंद्र नहीं है, इसलिए इसका समर्थन मूल्य भी नहीं है। जो फसल आती है उसे नीलामी से बेचते हैं। किरावली में सरसों की लैब में जांच होती है, तेल के आधार पर उस सरसों के दाम निर्धारित होते हैं। कुल मिलाकर कुछ व्यापारियों ने फसल की जमाखोरी पर ली तो बाजार में सरसों पहुंच नहीं रही है। कम फसल आवक के चलते सरसों का तेल महंगा बिक रहा है। कारोबारी बताते हैं कि सोयाबीन की अच्छी आवक की खबरों के बीच कई जमाखोर सरसों की निकासी कर उसे मंडी में बेच रहे हैं। यही हाल रहा तो सरसों सस्ती होने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।